नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AK4 Academy में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरा का पूरा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का पूरा का रियल पेपर, 100-100% रियल पेपर रहेगा आपके। यह पेपर सोमवार को पूरा का पूरा यह पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा पेपर बात करेंगे और साथ में इसका हम PDF भी और फुल सोल्यूशन बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। तो कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा अर्थशास्त्र का पूरा रियल पेपर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। पूरा रियल पेपर है, मिले मेरे को तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप देख सकते हैं निर्देश दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। समय 3 घंटे दिए गए हैं, क्वेश्चन 19 है और पूर्णांक 80 दिया गया है दोस्तों। यह पूरा का पूरा कोड मेंशन है, आप देख सकते हैं कोई भी फेक पेपर नहीं है, पूरा का पूरा रियल पेपर है। अब बात करते हैं दोस्तों सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किन किन फसलों में सही रही है? तो गेहूं व चावल, चावल व कॉफी, गेहूं व आलू, चावल या चाय। दोस्तों यह रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह यह है दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सा है? नर्मदा, SBI, RBI, नेशनल कोऑपरेशन बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी के सभी आंसर की वीडियो जल्दी हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है हरियाणा, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है दिल्ली और चौथा है मुंबई। पूरा का पूरा ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है? पहला है भंडारा, दूसरा है प्रसंस्करण, तीसरा है संग्रहण और चौथा है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो आप देख सकते हैं रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर दो है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, साम्य कीमत इधर है मांग और पूर्ति, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम कराती है, हर के लिए विदर्श, तीसरा है व्यापार संतुलन तो वस्तुओं का आयात निर्यात, और चौथा है उत्पादन शुल्क तो अप्रत्यक्ष कर, और पांचवा है असंतुलित बजट तो आय की अपेक्षा के व्यय। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक वाक्य हुआ एक शब्द में अंतर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, एक वाक्य हुआ एक शब्द में अंतर लिखना है, पूरा का पूरा मोस्ट IMP क्वेश्चन है और पूरा का पूरा रियल पेपर दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी फेक पेपर नहीं है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो योजना आयोग का नया नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, माध्य का एक गुण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का नाम लिखिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ऊर्जा एक व्यावसायिक स्रोत है। पांचवा है, भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुई? दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर, 100-100% यह आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें सूचक स्वयं उत्तर देता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, अवनमय मूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, तिरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत असत छांट कर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जनता को ऋण देता है। दूसरा है, विश्व मुद्रा में चेक भी शामिल है। तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक किस अंचल संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता है। चौथा क्वेश्चन है, दैनिक लेन देन को पूरा करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। पांचवा है, भारत की राष्ट्रीय आय को सर्वाधिक योगदान द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उपभोग क्या है? दोस्तों इसके सोल्यूशन के वीडियो हम जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके या वीडियो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, इसलिए कि यह रियल पेपर दोस्तों आपके दोस्तों को पूरा नंबर मिल सके। तो इसके अथवा का बात करते हैं, तो इसके अथवा का है, आर्थिक सहायता क्या है? और क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखना है। और इसके अथवा का प्रश्न, दुर्लभता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। इसी तरह इसके अथवा का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है?
क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, और इसके अथवा का प्रश्न है दोस्तों भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब की गई। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आधारिक संरचना का अर्थ लिखिए और क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा ऊर्जा के व्यावसायिक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 है रोजगार व अनियमितीकरण क्या है, इसके अथवा का भी प्रश्न देख लेंगे कि जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अथवा का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10वां के अथवा का प्रश्न है गरीबी को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, गरीबी को परिभाषित करना है। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र के संख्यन का क्या महत्व है, और इसके अथवा का प्रश्न संख्यांकी के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। पूरा का पूरा रियल पेपर है, टेलीग्राम में बहुत तेजी वायरल हो रहा है दोस्तों, आप पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आर्थिक सुधारों के पीछे किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है माध्यमिका गुण दोष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्न 13, एक आदर्श औसत की तत्व क्या है। इसके अथवा का प्रश्न भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में कितने प्रकार की फसलें होती है। इसके अथवा का प्रश्न सांख्यिकी विषयों के सीमाओं का उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 है नियोजन की स्थिति में कौन सा औसत उपयुक्त है। इसके अथवा का प्रश्न है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये पूरा का पूरा रियल पेपर है, आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, हम आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और पूरा का पूरा रियल पेपर भी प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हरित क्रांति की क्या सीमाएं थी, और क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा का भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि व असफलताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की एक बार वर्णन कीजिए, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन अब अगले की बात करते हैं, तो नियोजन की स्थिति में कौन से औसत उपयुक्त होते हैं, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किन्हीं एक का वर्णन कीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा का प्रश्न सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना है। जी हाँ दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है फर्म के संतुलन की मान्यताएं लिखिए, और इसके अथवा का प्रश्न है स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है पूर्ति का नियम समझाइए, और इसके अथवा का प्रश्न है बाजार पूर्ति तालिका का क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 22 है बाजार मूल्य व समान मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा का प्रश्न है बाजार मूल्य की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके अभी तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरे के पूरे रियल पेपर जैसे ही मिलेंगे वो पूरे पूरे तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए, इसके अथवा का प्रश्न है क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 24 आर्थिक इकाई क्या है, इसके अथवा का प्रश्न पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। पूरा का पूरा रियल पेपर है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर अर्धवार्षिक के भी पूरे के पूरे पेपर हम आपको बता देंगे, तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।